ये लोग गवाह बनने आए हैं, गवाह हमारी शादी में, मेरी और पिया की शादी में, अभय पिया की शादी में। बहुत जरूरी है खून पीना यार। मैं तो वैम्पायर रहा नहीं हूँ, और वैसे भी खून पीना तो लड़कियों का काम ही होता है। अब लेकिन हम बदलेंगे ये। अच्छा, अब लड़के करेंगे। अच्छा, अब लड़के ट्रेंड पिएंगे। चलिए जो भी हो, आपके इस शो में वापस आने से एक शुभ काम तो हो गया। एक बिछड़े भाई को अपना दूसरा बिछड़ा भाई मिल गया। ये है हमारे अंबर धारा। नहीं, दिस इज गुरिया। दिस इज गुरिया गुरु में अभी तू रोना पड़ेगा तुझे। सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है। यू नो, सारवन के दो ऐसे शोज जो मैं तो ऐसे रो सकती हूँ। डांटो डांटो मुझे। अरे गीत, मत रोइए मत रोइए। आपके रोने का दिन तो एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। अब जरा आज के स्टार्स ऑफ द डे यानी कि अभय और पिया को भी तो मौका दीजिए। अरे अरे, ये क्या, ये तो रोने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है इनकी तो सच में हैप्पी एंडिंग होने वाली है। प्यार की ये कहानी के इन महारथियों का तो मानो यही मानना है कि शो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी तो न्यू बिगिनिंग हुई है। वैसे बिगिनिंग से याद आया कि अभय, अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें, आपके यहाँ मेहमान आए हैं, इनकी खातिरदारी भी तो कर दीजिए। मेहमान जल्दी प्लीज आके। पहली बार मेरे को बोलते तेरा मुंह क्यों इतना बड़ा लग रहा है। This is the kind of welcome I get. तेरा मुंह बहुत बड़ा लग रहा है। मैंने खातिरदारी आज मैं तो बोला, हाँ ठीक ठाक लग रहा है। खातिरदारी देखिए, मैं सच बोलता हूँ और सच कभी कभी बुरा लगता है, और सच बोलना बेटर है पीठ पीछे कुछ बोलने से अच्छा, क्योंकि साइड में जाके गुरमीत को बोल नहीं सकता यार तेरी हीरोइन बहुत मोटी लग रही है, ऐसा बोल नहीं सकता ना, इसलिए फेस पे बोलता हूँ मैं। सो और खातिरदारी यार, क्या चाय पिलाई ना तुमको स्पॉट ने? नहीं पिलाई है? अरे अभी तक नहीं पूछा। पानी, अरे पानी पिलाओ, चाय। हाँ अरे अरे, बस करिए, अब बस भी करिए, और अब जरा इन हसीन पलों को कैद कर लीजिए ताकि वो आपसे कभी भी अलग ना हो पाए।